हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सैनिक स्कूल मैनपुरी की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सैनिक स्कूल मैनपुरी, जो कि आता है सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली के अंतर्गत। यहाँ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं नर्सिंग सिस्टर पोस्ट की। नर्सिंग सिस्टर पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका मंथली रेमोनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो जैसे हमने बताया, यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सैनिक स्कूल यूपी के अंतर्गत। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने GNM नर्सिंग किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है INC स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के बाद, आपने जो भी क्वालिफिकेशन है आपका उसके बाद आपके पास 5 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो 31 December 2021 तक का किया जाएगा। 31 December 2021 तक आपका एज अगर 18 to 50 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैंडिडेट का वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी भी रेजिडेंसी स्कूल में, तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से पता है, आप इंग्लिश में अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। जिला परिषद मैनपुरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं या फिर स्कूल की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा। सेम एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दिए गए एड्रेस पर सबमिट करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे अब हम आपको दिखाने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। तो आपको सेम फॉर्मेट फिलअप करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं इसके साथ। तो उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल लगाने रहेंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका डॉक्यूमेंट, सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए। उसके साथ आपको स्टैम्प लगाना है, 25 रुपीज़ का सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप लगाना है, जिसमें साइज यहाँ पर दिया हुआ है 9x4। दो क्वांटिटी में होना चाहिए, दो आपको एनवलप देना है। इसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना रहेगा। OBC कैंडिडेट और जनरल के लिए 500 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना रहेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनवाना है, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी के फेवर में आपको बनवाना है। बैंक डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, SBI बैंक, स्टेशन रोड मैनपुरी, IFSC कोड दिया हुआ है, सेम यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप बनवाते हैं वो नॉन रिफंडेबल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं आपका पूरा टेस्टिमोनियल के साथ, और जो भी आपने यहाँ पर एनवलप लगाया है और जो भी स्टैम्प आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, सारा आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको इस एड्रेस पर सबमिट करना है। तो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, विलेज नावनर खारा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119। आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर पहले तो स्क्रूटनिंग होगी डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट, स्केल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पर आपको अपना वैलिड email ID और कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जिससे आपसे संपर्क हो पाए। क्योंकि जो भी आप email ID देते हैं वो आपका वर्किंग email ID होना चाहिए, या कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप देते हैं वो आपका वर्किंग होना चाहिए, जिससे जो भी आपको ईमेल सेंड किया जाए या फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी ये आपसे कांटेक्ट किया जाए, कॉल लेटर्स वगैरह, वो आप तक पहुंच सके रिटन एग्जामिनेशन के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन 11 दिसंबर
2021 तक दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। तो एड्रेस जैसे हमने बताया, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, विलेज नानरखारा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, 205119। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो लास्ट डेट 11 दिसंबर 2021 है, इससे पहले पहले आपको सेंड कर देना है, सबमिट कर देना है अपना एप्लीकेशन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।